नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज, जुर्म का पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ यशपी रावत और आज हमारी उपस्थिति निचलौल ब्लॉक क्षेत्र के नौनिया में है, जहां हमारे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यह मंडी, लोगों ने बताया कि यह मंडी है। यहां बाजार लगना था, कमरे भी बने हैं, व्यवस्थाएँ भी हुई हैं, लेकिन जो व्यवस्था आप देख रहे हैं फुटेज में, वह अपने आप पे तरस खा रही हैं। यहाँ चारों तरफ घास फूस है और जो कमरे बने हुए हैं उनका भी हालत जर्जर बना हुआ है। अब ऐसे में बाजार तो लगता नहीं है, लेकिन सरकार की व्यवस्थाओं को चुनौती जरूर दे रहा है। जो भी देश की अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था से निर्माण तो करा दिया जाता है, लेकिन वहीं चलता है दुरुपयोग का खेल। वही हाल यहाँ हुआ है, आए दिन अधिकारियों का दौरा होता रहता है, लेकिन किसी की नज़र इस मार्केट पे नहीं पड़ती है कि यहाँ मार्केट के लिए जगह सुनिश्चित किया गया है। जैसा कि पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पी गुरु प्रसाद जी का भी आगमन हो चुका है और बगल में राजकीय कॉलेज है, उसके बाद बिजली विभाग बना हुआ है, स्टेडियम बना हुआ है, तो इस वजह से हमेशा अधिकारियों का दौरा होता रहता है, लेकिन आज तक किसी अधिकारी की नज़र इस बाजार में नहीं पड़ी। आखिर क्या है वजह? जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा कि जितने भी रूम यहाँ बने हुए हैं, सबके सब अपने बदहाली पे रो रहे हैं। ऐसे में शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि जो सरकारी धन व्यय हुए हैं उसके अनुरूप यहाँ काम किया जाए, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। अब ऐसे में किसकी जिम्मेदारी बनती है? जैसा कि पुनः बता दूं कि यहाँ सिर्फ घास फूस जमे हुए हैं, बाजार तो सड़क पर लगाई जाती है, जबकि बाजार के लिए यह जगह बना हुआ है। अब ऐसे में क्या होना है, कैसे होना है, क्या नौनिया का भला होगा या नहीं? कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं यशपी रावत, इंडिया पावर न्यूज। वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।